नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप सब? मजे में हो ना? महदी पाठशाला में मैं श्वेता मिस राठौड़ आप सबका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम वापस मिले हैं कुछ नया सीखने के लिए, तो क्या आप सब तैयार हो ना? तो चलो, आज हम जो कुछ भी सीखेंगे वो साथ में लिखेंगे और पढ़ेंगे, ओके? तो चलो जल्दी जल्दी अपने साथ अपनी नोटबुक, किताब और कंपास बॉक्स इतना साथ में रख लो, और मैं जो कुछ भी लिखने के लिए बोलूँ वो आप सबको अच्छे अक्षरों से अपनी नोटबुक में लिखना है, ओके? इसके अलावा विद्यार्थी मित्रों, आप सब घर बैठ के पढ़ रहे हो, नियमित ये सारे वीडियोस देखते होंगे, नियमित गृह कार्य भी करते होंगे, करते हो ना? मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सब हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहो। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो कुछ भी सीखने जा रहे हैं वो है निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और लिखिए। वापस दोहरा रही हूँ मैं, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और लिखिए। यानी कि आज हम जो कुछ भी सीखेंगे वो है वाक्य, जिसे इंग्लिश में हम सेंटेंस कहते हैं। हम आगे भी कई सारे वाक्य पढ़ चुके हैं, जैसे कि अ से शुरू होते हुए वाक्य, आ से, फिर ह्रस्व ई और दीर्घ ई के वाक्य, फिर ह्रस्व उ और दीर्घ उ के वाक्य, फिर ह्रस्व ए और दीर्घ ए के वाक्य, यानी ए और आई के वाक्य भी हम पढ़ चुके हैं और लिख चुके हैं। तो अभी आप सोचो कि ए के बाद कौन सा स्वर आएगा, तो उसके लिए हमें पहले से स्वर बोलने पड़ेंगे। तो स्वर में सबसे पहला अक्षर जो है वो है अ, अ के बाद आ, आ के बाद ई यानी कि छोटा ई, फिर बड़ा ई, ई के बाद छोटा उ और उ के बाद बड़ा उ, फिर उ के बाद आएगा रु, रु से ऋषि, फिर रु के बाद आया ए, ए के बाद आई, अ आ ई ई ऊ रु ए आई। यहाँ तक के स्वर के वाक्य हम सीख चुके हैं। अभी इसके बाद कौन सा स्वर आएगा आई के बाद? तो आई के बाद आता है ओ, जो आप देख रहे हो। यहां पे लिखा है अ, अ के बाजू में सीधी रेखा आ और ऊपर एक मात्र, तो हो गया ओ। इसे हम क्या पढ़ेंगे? ओ। चलो आप लोग भी बोलो अ, अ के बाजू में सीधी रेखा आ, आ के ऊपर एक मात्र ओ। तो यहां पे जो स्वर लिखा है वो है ओ। तो बच्चों, आज हम ओ के स्वर पर से वाक्य सीखेंगे।
तो आज का हमारा सबसे पहला जो वाक्य है, मैं पढ़ रही हूँ, आप सबको ध्यान से सुनना है और साथ ही में अपनी नोटबुक में लिखना है। नंबर एक, यहाँ पे हिंदी में गिनती आएगी, तो आप लोगों को भी ये नंबर है वो हिंदी में ही लिखना है। नंबर एक, मोहन, मोहन, अल्पविराम, यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये है अल्पविराम। फिर टोकरी, टोकरी, उठाओ, उठाओ, मोहन टोकरी उठाओ। ये वाक्य यहाँ पे पूरा हुआ। जब भी वाक्य पूरा होता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पूर्ण विराम। कोई भी वाक्य पूरा हो तो हमें पूर्ण विराम करना है। गुजराती भाषा में ऐसे बिंदी आती है, वैसे ही इंग्लिश भाषा में भी बिंदी होती है, पर ये हिंदी में पूर्ण विराम कैसे है, तो सीधी रेखा है ये वाली। तो आपको भी जब ये वाक्य खत्म होते हैं तो ऐसे पूर्ण विराम करने हैं। समझ में आया? चलो मैं वापस दोहरा रही हूँ। नंबर एक, मोहन टोकरी उठाओ। यहाँ पे एक मोहन नाम का लड़का है। ये जो मोहन मैंने अभी पढ़ा ना, ये एक नाम है और वो नाम एक लड़के का है। तो मोहन को कहा जा रहा है कि मोहन टोकरी उठाओ। मोहन को टोकरी उठाने के लिए कहा जाता है। अभी टोकरी का मतलब तो पता है ना आप लोगों को? कुछ भी चीजें रखने के लिए जो लकड़ियों में से बनाई जाती है, जिसे हम बास्केट कहते हैं इंग्लिश में, उसे हिंदी में हम टोकरी भी कहते हैं। तो लकड़ी की जो बास्केट होती है, तो उस बास्केट को हिंदी में टोकरी कहा जाता है। तो मोहन टोकरी उठाओ। चलो ये वाक्य आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लो। अच्छे अक्षरों से लिखना है। चलो अभी हम आगे देखेंगे। तो एक लाइन छोड़ के आप लोगों को नंबर दो लिखना है। दूसरा वाक्य है, बच्चों शोर मत मचाओ। बच्चों शोर मत मचाओ। यहाँ पे जो पहला शब्द है बच्चों, ये संयुक्त शब्द है। संयुक्त शब्द मतलब एक अक्षर दूसरे अक्षर के साथ जोड़ा गया है। सबसे पहले यहाँ पे बक लिखा है, ब से बकरी, फिर चिड़िया का च है। ये पहले वाला च आधा किया है, उसे च के साथ जोड़ा गया है, जोड़ दिया है। फिर बाजू में सीधी रेखा और ऊपर एक मात्र, तो हो गया बच्चों शोर। हमारी वर्णमाला में तीन श होते हैं, श, श और श। पहले वाला जो श है वो शरबत का श, जो कि आप देख रहे हो, ये है शरबत का श। फिर दूसरा षटकोण का श और तीसरा
सरोता का स। सरोता मतलब पता है ना, सरोता क्या है? शरबत तो आपने देखा है और पिया भी होगा। फिर षटकोण, तो षटकोण एक आकार है, और सरोता, तो सरोता वो है कोई भी चीज हम काट सकते हैं, जैसे कि शुगर कैन। इक, हिंदी में शुगर कैन को इक कहा जाता है। उसे काटने के लिए जो साधन है उसे सरोता कहते हैं। तो यहाँ पे स से शरबत वाला श, उसे सीधी रेखा और एकमात्र करना है, और र, बच्चों शोर मत मचाओ। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बहुत ही शोर मचाते हैं, तो उनको कहा जाता है कि बच्चों शोर मत मचाओ। चलो अभी एक लाइन छोड़ के तीसरा वाक्य। आप ढोलक बजाओ। यहाँ पे अ कैसे लिखा है? अ के ऊपर आधी लाइन है, अ अ के बाजू में सीधी रेखा, और प, आप ढोलक। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये है ढ, ढोलक बजाओ। ढोलक एक साधन है जिसे बजाने से आवाज होती है, वो संगीत का एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट। साधन मतलब इंस्ट्रूमेंट, जिसे बजाने से आवाज आती है। मैं वापस ये वाक्य पढ़ रही हूं, आप ढोलक बजाओ। फिर एक लाइन छोड़ के नंबर 4, मनोहर दोपहर हो गई। मनोहर फिर अल्पविराम दोपहर हो गई। यहाँ पे ये जो मनोहर है ये एक नाम है, और ये नाम किसका है क्या आपको पता है? ये नाम लड़के का हो सकता है या फिर लड़की का? चलो सोचो। तो पता चला किसी को? ये जो मनोहर नाम है वो एक लड़के का नाम है। उसे बताया जाता है कि दोपहर हो गई। दोपहर मतलब पूरे दिन का जो बीच वाला भाग है उसे दोपहर कहा जाता है। जैसे हम आफ्टरनून कहते हैं ना, उस आफ्टरनून को हिंदी में दोपहर कहा जाता है। जैसे ही 12 बजते हैं तो 12 बजे से लेके 4 बजे तक का जो समय होता है उसे दोपहर कहा जाता है। तो यहाँ पे मनोहर को बताया जाता है कि मनोहर दोपहर हो गई। यहाँ पे ई करना है, ये बड़ा वाला ई है क्योंकि इसके ऊपर ऐसे कर्व किया है, यानी कि रैप कर दिया है यहाँ पे। तो मनोहर दोपहर हो गई। जैसे ही वाक्य पूरा हो जाए हमें पूर्ण विराम करना है। चलो अभी एक लाइन छोड़ के पांचवा वाक्य। यहाँ पे लिखा है सोहन अखरोट खाओ। सोहन अखरोट खाओ। यहाँ पर भी अल्पविराम है और अल्पविराम के आगे एक शब्द है। उस शब्द में क्या लिखा है? सोहन। अभी ये सोहन किसका नाम है? सोचो सोचो।
वेरी गुड। कई लोगों को पता चल गया कि सोहन लड़के का नाम है, तो सोहन को कहा जाता है कि सोहन अखरोट खाओ। ये अखरोट आपने देखा है, खाया भी होगा, ये खाने की चीज है। इसके अंदर जो भी निकलता है वो खाने की चीज होती है। तो यहाँ पे सोहन को कहा जाता है सोहन अखरोट खाओ। पांच वाक्य हमने पढ़ लिए और सीख लिए। अभी एक लाइन छोड़ के छठा वाक्य, घोड़ा घोड़ा। यहाँ पे ड है तो उसके नीचे ऐसे बिंदी लगानी है। घोड़ा तेज दौड़ता। यहाँ पर भी ड आया है तो नीचे बिंदी लगानी है। घोड़ा तेज दौड़ता है। चलो कैसे लिखना है वो मैं बता दूँ आप लोगों को। सबसे पहले घ, घ के बाजू में सीधी रेखा, ऊपर एक मात्रा तो हो गया घो। फिर ड, ड के बाजू में सीधी रेखा और नीचे ऐसे बिंदी करनी है तो हो गया घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा पता है ना, घोड़ा यानी कि हॉर्स। इंग्लिश में इसे हॉर्स कहते हैं, हिंदी में घोड़ा और गुजराती में भी घोड़ा ही कहते हैं। तो चलो ये वाक्य भी आप लोग जल्दी से लिख लो। घोड़ा तेज दौड़ता है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के नंबर 7, सातवां वाक्य, रोटी गोल आकार की होती है। क्या लिखा है यहाँ पे? चलो आप लोगों को भी मेरे साथ बोलना है। रोटी गोल आकार की होती है। रोटी, रोटी तो आप सबने देखी है, आप सब लोग खाते भी होंगे। चलो आपके घर में रोटी कौन बनाता है? आपके मम्मी बनाते होंगे, सही ना? ओके, तो आपने देखा है ना रोटी कैसे होती है, वो चौरस होती है या फिर गोल होती है। तो रोटी गोल आकार में होती है। चलो लिखो, रोटी गोल आकार की होती है। यहां पे मैंने लिखा है रोटी। अगर मैं यहां पे लिखती रोटी या, तो क्या हो जाता? ये शब्द एकवचन में से बहुवचन में हो जाता। रोटी यानी कि सिर्फ एक रोटी, और अगर रोटी या लिखा होता तो एक से ज्यादा रोटियां होती। दो भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है और 15 भी हो सकती है। तो रोटी तो एकवचन यानी कि एक ही है, और रोटियां तो बहुवचन और एक से ज्यादा रोटियां। समझ में आया आप लोगों को? चलो ये सातवां वाक्य हो गया। हम वापस इसे एक बार पढ़ लेते हैं। नंबर 7, रोटी गोल आकार की होती है। यहाँ है लिखा है तो उसके ऊपर आपको दो मात्राएं करना है और पूर्ण विराम। चलो अभी एक लाइन छोड़ के आठवां वाक्य। चलो आठवां वाक्य लिखा है, बारिश आने पर मोर नाचता है। बारिश
आने पर मोर नाचता है। बारिश मतलब रेन यानी कि बरसात। शब्द एक है पर तीनों भाषाएं में इसे अलग अलग रूप से बोला जाता है। बारिश हिंदी में इसे बारिश कहते हैं, गुजराती भाषा में उसे बरसात कहते हैं और इंग्लिश में इसे रेन कहते हैं। और ये बारिश छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक सबको पसंद होती है। बारिश कौन सी मौसम में आती है पता है ना आप लोगों को? मॉनसून सीजन में। चलो अभी हम आगे बढ़े। सबसे पहले लिखना है बारिश, बारिश। आने पर मोर नाचता है। बारिश आने पर मोर नाचता है। जैसे ही हम सबको बारिश अच्छी लगती है उसी तरह ये मोर को भी बारिश बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे ही बारिश आती है वो अपने पंख को फैलाकर नाचने लगता है और जोर जोर से टहुके लगाता है। चलो अभी मुझे ये बताओ कि मोर टहुके कैसे लगाता है? चलो बोलो बोलो। सब लोग शुरू हो गए होंगे बोलने के लिए। चलो अभी हम साथ में बोले। तो बारिश आने पर मोर एकदम खुश हो जाता है और वो अपने पंख को फैलाकर नाचने लगता है और साथ में टहुके करता है। तो टहुके कैसे लगाता है? टेहूक टेहूक टेहूक। इसी तरह से मोर अपने टहुके लगाता है। तो चलो ये वाक्य भी आप लोगों ने लिख लिया होगा। फिर एक लाइन जोड़ के नंबर 9 यहां पे लिखा है खरगोश। खरगोश सफेद रंग का होता है। खरगोश सफेद रंग का होता है। चलो अभी ये बताओ खरगोश क्या है? तो खरगोश एक प्राणी है। क्या है? प्राणी है। वो कौन से रंग का है? सफेद रंग का। कौन से रंग का? सफेद। सफेद यानी कि व्हाइट। वो एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट मतलब कोमल सा। जैसे ही हम उसको छुए तो हमें कोमल कोमल लगता है यानी कि सॉफ्ट। जैसे गुजराती में क्या कहते हैं? पोचू पोचू। उनका शरीर इतना कोमल होता है कि हमें बस ऐसे ही हो जाए कि हम उसे छूते रहे। उसकी आंखें गुलाबी रंग की होती है और वो घास खाते हैं और गाजर खाते हैं। वो चीज़ें उनकी पसंदीदा चीज़ें हैं। खरगोश को गुजराती में ससलू और इंग्लिश में रैबिट कहा जाता है और उसका हिंदी में नाम है खरगोश। खरगोश सफ़ेद रंग का होता है। मैं आप लोगों को हर बार बोलती हूँ, आज वापस बोल रही हूँ
यहाँ पे लिखा है सफेद और सफेद में आया है फ। हमारी वर्णमाला में क और फ एक जैसे वर्ण है, परंतु थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो क्या है? यहाँ पे फ है तो ये लाइन इस लाइन के साथ जोड़नी है, यानी कि दोनों को जोड़ दिया है। पर अगर क करना है तो ये वाली लाइन को यहाँ से फोल्ड करनी है, यानी कि बेंड कर देनी है। सफेद। चलो उसके बाद एक लाइन छोड़ के दसवां वाक्य, यहाँ पे लिखा है होली का त्योहार फागुन महीने में आता है। होली का त्योहार, त्योहार मतलब फेस्टिवल। किसका फेस्टिवल? होली का, होली धुलेटी। आगे क्या लिखा है? फागुन। फ, फ के बाजू में सीधी रेखा फा, फिर ल को आधा करके ग के साथ जुड़ा है और उसे ह्रस्व किया है और न, फागुन। जैसे इंग्लिश में कई सारे ऐसे वर्ड्स है, जैसे कि नॉलेज, बोलते हैं हम नॉलेज पर स्पेलिंग शुरू होता है के से, के लेटर से, तो ये जो के है वो साइलेंट है। उसी तरह से यहाँ पे ये जो ल देख रहे हो ये साइलेंट है, इसे हम क्या पढ़ेंगे? फागुन, नॉट फाल्गुन। इसे हम पढ़ेंगे फागुन, फागुन महीने में आता है। होली का त्योहार, त को आधा करके यहाँ पे य के साथ जुड़ना है और ऊपर दो मात्राएं। होली का त्योहार फागुन महीने में आता है। चलो उसके बाद ग्यारहवां वाक्य, एक और एक हो गया ग्यारह। लोमड़ी चालाक होती है। लोमड़ी ये एक जानवर है वो जो जंगल में रहता है, जिसका नाम है लोमड़ी, जिसे गुजराती में शियाड़ कहते हैं। तो चलो लिखो ल, ल के बाजू में सीधी रेखा और ऊपर एक मात्रा, फिर म, फिर ड, ड के नीचे ऐसे बिंदी करनी है और उसे दीर्घ करना है, तो हो गया लोमड़ी। लोमड़ी चालाक होती है। चलो अभी एक लाइन छोड़ के नंबर 12, एक और दो हो गए 12। तोता हरे रंग का होता है। तोता यानी कि पैरट, जिसे गुजराती में कहते हैं पोपट। तोता हरे रंग का, हरे यानी कि ग्रीन कलर, लीलो रंग। इंग्लिश में ग्रीन कहा जाता है, हिंदी में हरा और गुजराती में लीला, तो हरे रंग का तोता होता है। ये तो आप सब जानते हो ना कि पैरट है वो ग्रीन कलर का है, तो हिंदी में पैरट को तोता कहते हैं और ग्रीन को हरे, कलर को रंग। तोता हरे रंग का होता है। बच्चों आज हमने एक से लेकर 12 तक वाक्य सीख लिए, वो भी कौन से स्वर के? ओ वाले, ओ वाले वाक्य सीख लिए हैं। तो अभी क्या करना है? हमने अभी लिखे भी है, पढ़े भी है और सीखे भी है, तो अब समय आ गया गृह कार्य का। सारे वाक्य अच्छे अक्षरों से लिखिए। वन टाइम इन फायर बुक
वन टाइम इन रफ बुक। तो ये होमवर्क लिख लेना, कैसे लिखना है, अच्छे अक्षरों से। तो अभी हम वापस मिलेंगे नए तास में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक आप सबको मेरी ओर से धन्यवाद और अपना ख्याल रखना। गुड बाय एंड टेक केयर।